नमस्कार, झारखंड के समाचारों में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए अब महीने में होगी दो जांच परीक्षा। पिछली कक्षा में जो पाठ विद्यार्थी नहीं पढ़ सके हैं, अब उसकी भी जानकारी छात्र छात्राओं को होगी। इससे छात्र छात्राओं का शैक्षणिक आधार मजबूत हो सकेगा। विद्यार्थी क्या पढ़ाई कर रहा है, उसमें उनको कितनी समझ है, इसका भी मूल्यांकन कर सकेंगे। इसके लिए शिक्षा विभाग ने मूल्यांकन शुरू करने जा रहा है। इसके तहत सभी विषयवार शिक्षकों के प्रत्येक 15 दिनों पर अपने अपने विषयों के लिए मूल्यांकन आयोजित करना होगा। इसके तहत शिक्षकों के द्वारा ब्लैक बोर्ड पर प्रश्न अंकित किए जाएंगे। सभी विद्यार्थी अपनी अपनी कॉपी पर उत्तर लिखते हुए लिखी हुई कॉपी को शिक्षकों के पास जमा करेंगे। उसके बाद सभी शिक्षक अपने अपने विषयों की कॉपी जांच करेंगे और उसे एक सप्ताह के भीतर बच्चों को देंगे। मूल्यांकन 50 अंकों का निर्धारित होगा, जिसमें छात्रों को कुल 10 प्रश्नों का जवाब देना होगा। इन 10 प्रश्नों में से 5 प्रश्न वस्तुनिष्ठ तथा 5 प्रश्न लघु और दीर्घ उत्तरीय हो गए हैं। विषयों का चयन क्रमानुसार होगा। प्रत्येक 15 दिनों पर कम से कम 2 विषय इसमें शामिल किया जाएगा। माह के अंत में राज्य स्तर पर मूल्यांकन किया जाएगा। इसके लिए JCERT द्वारा प्रश्न पत्र ऑनलाइन शिक्षकों को उपलब्ध कराएगा। विद्यार्थियों के प्राप्तांक को ई विद्यावाहिनी पोर्टल पर भी अपलोड किया जाएगा। मौसम विज्ञान के आधार पर झारखंड में 18 अगस्त तक सक्रिय रहेगा मानसून। 24 घंटे में रांची में सबसे अधिक 56.5 मिलीमीटर बारिश हुई। झारखंड में पिछले 24 घंटों के मानसून की स्थिति सामान्य रही। राज्य में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्ज की बारिश रिकॉर्ड की गई। सबसे अधिक बारिश रांची में 56.6 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जबकि जमशेदपुर में 43 मिलीमीटर बारिश हुई है। राज्य में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान देवघर में 37.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सबसे कम न्यूनतम तापमान राजधानी रांची में 22.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि राज्य में मानसून का उत्तर दक्षिण टर्फलाइन समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर ऊपर सक्रिय है। टर्फलाइन बना होने के कारण राज्य में रांची, रामगढ़, हजारीबाग, गुमला, खूंटी, बोकारो, देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, पाकुड़ और साहेबगंज जिले के कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। साथ ही मेघ गर्जन और वज्रपात की भी संभावना है। राज्य के शेष जिलों में भी हल्के से मध्यम दर्ज की बारिश हो सकती है। पूर्व अनुमान में बताया गया है कि राज्य में 18 अगस्त तक मानसून पूरी तरह से सक्रिय रहेगा। इसके कारण बारिश, मेघ गर्जन और वज्रपात का भी दौर जारी रहेगा। खबर है झारखंड के जमशेदपुर से। डिवाइडर से टकराई अनियंत्रित बाइक, 3 सवार घायल, तीनों ने नहीं पहना था हेलमेट। कदमा थाना अंतर्गत नीम पार्क के पास सोमवार को अनियंत्रित बाइक डिवाइडर से टकरा गई। बाइक पर बैठे 3 युवक हादसे में घायल हो गए। घायल अवस्था में तीनों काफी देर तक सड़क किनारे पड़े रहे। आसपास मौजूद लोगों की नजर युवकों पर पड़ी तो उन्हें इलाज के लिए MGM अस्पताल पहुंचाया। घायलों में विकास गगरई, विक्रम कुमार और कुलदीप कुमार शामिल है। तीनों गमरिया के रहने वाले हैं। विकास गगराई की हालत गंभीर है, उसके सिर पर गहरी चोट आई है। बाइक सवार तीनों युवक ने हेलमेट पहन ही नहीं रखा था। जानकारी के अनुसार तीनों एक बाइक पर सवार होकर कदमा स्थित एक बैंक आ रहे थे। टोल ब्रिज पार करने के बाद मोड़ पर उनकी बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। बाइक चला रहे विकास गगराई दूर जा गिरा, उसके सिर में सबसे ज्यादा चोट आई है। खबर है झारखंड के बोकारो से। नक्सलियों के मंसूबों पर फेरा पानी। झुमरा पहाड़ की तलहटी चतरोचट्टी थाना क्षेत्र के उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र चुट्टे पंचायत के खरना और कर्मो के केनराजरा जंगल में रविवार को 25 किलो का केन बम बरामद किया गया। बम नक्सलियों द्वारा छिपाया गया था, जिसे सुरक्षा बलों ने बम निरोधक दस्ते की मदद से डिफ्यूज कर दिया गया। बम काफी शक्तिशाली था और विस्फोट से काफी नुकसान पहुंच सकता था। आप सभी को बता दूं, CRPF के 26 बटालियन और जिला पुलिस क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन चला रही थी। इसी दौरान उन्हें जंगल में बम रखे जाने की गुप्त सूचना मिली। सुरक्षा बल मौके पर जब पहुंचे तो कैन बम मिल गया। माना जा रहा है कि सुरक्षा बलों को क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से कैन बम को लगाया गया था। संभावना जताई जा रही है कि क्षेत्र में किसी बड़े नक्सली लीडर का भ्रमण हुआ है, इसके बाद ही बम को यहाँ छिपाया गया था। खबर है झारखंड के साहिबगंज से। साहिबगंज में गंगा नदी का रौद्र रूप, घरों में घुसा पानी, पलायन कर रहे हैं लोग। साहिबगंज के राजमहल में गंगा नदी लगातार अपना रौद्र रूप दिखा रही है। घरों में पानी घुस गया है। बाढ़ के चलते लोग लगातार नाव से पलायन कर रहे हैं। जिले के ग्रामीण इलाकों में बाढ़ से हालात खराब हो गई है। रिहायशी इलाकों में घरों के अंदर पानी घुसने से लोगों का रहना मुश्किल हो गया है। जिले के वरिष्ठ अधिकारी लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण भी कर रहे हैं। बाढ़ बचाव और राहत पहुंचाने का काम लगातार जारी है।
राहत कर्मी छोटे छोटे टीन के डेंगू पर सवार होकर बाढ़ पीड़ितों से मिल रहे हैं। दियरा में ऊंचे स्थानों पर पूरे क्षेत्र की मैपिंग कराई गई है। बाढ़ में फंसे लोगों को ऊंचे स्थानों पर भेजा जा रहा है। सरकार के राहत कैंपों में लोगों के लिए मुफ्त खाने पीने और रहने की इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन ने आश्वस्त किया है कि लोगों के जान माल की पूरी सुरक्षा की जाएगी। बाढ़ से साहिबगंज जिले के तलझारी प्रखंड, राजमहल प्रखंड, साहिबगंज प्रखंड, बरहरवा प्रखंड, उधवा प्रखंड के कई हिस्सों में पानी घुस गया है। वहीं बलवा दियरा, रामपुर दियरा, हरप्रसाद दियरा, काला दियरा, किशन प्रसाद दियरा और गोपालपुर दियरा समेत गंगा नदी के बीच में पड़ने वाले सभी दियरा क्षेत्रों में बाढ़ आ गई है। झारखंड में किसानों की बढ़ेगी आय, राज्य सरकार चला रही है बिरसा हरित ग्राम योजना। झारखंड के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए झारखंड सरकार ने बिरसा हरित ग्राम योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत राज्य की खाली पड़ी जमीन पर लगभग 2 लाख एकड़ क्षेत्रफल में आम और अमरूद के साथ मिश्रित फल की बागवानी करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें आम और अमरूद अलावा नींबू की भी बागवानी की जाएगी। बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत राज्य के प्रत्येक जिले में 1400 एकड़ खाली जमीन पर फलदार पेड़ लगाए जाएंगे। किसानों की आय बढ़ाने के मकसद से इस योजना की शुरुआत की गई है। इसमें मनरेगा योजना को भी जोड़ दिया गया है। एक अनुमान के अनुसार इस योजना से ग्रामीण 3 वर्ष बाद 50,000 रुपये की कमाई कर सकता है। इस योजना के तहत 5 लाख परिवारों को 100-100 पौधे लगाने को दिए जाएंगे। इस तरह से पूरे राज्य में 5 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। झारखंड में हाईकोर्ट ने सीएम हेमंत सोरेन को दिया 2 सप्ताह का समय। झारखंड हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सोशल मीडिया से संबंधित मामले में फिर से 2 सप्ताह में अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया। सोशल मीडिया पर गढ़वा के ऋषिकेश कुमार ने मुख्यमंत्री को अपमानजनक शब्द कहा था, उसी मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह निर्देश दिया। बता दें कि सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री को अपमानजनक शब्द कहने पर गढ़वा थाना में SC ST के तहत मामला दर्ज किया गया था। उसी मामले के आरोपी ऋषिकेश कुमार की जमानत याचिका निचली अदालत से खारिज होने के बाद झारखंड हाईकोर्ट में दायर की गई थी। उस याचिका पर सुनवाई के उपरांत अदालत ने मुख्यमंत्री को मामले में अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी किया था। मुख्यमंत्री की ओर से अभी तक अपना पक्ष नहीं रखा गया, जिस पर फिर से 2 सप्ताह में पक्ष रखने का निर्देश दिया गया है। झारखंड में विपक्षी दलों को एकजुट करने की कवायद शुरू। 20 अगस्त को सोनिया गांधी की बैठक में शामिल होंगे हेमंत सोरेन। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विपक्षी दलों को एकजुट करने की कवायद शुरू हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 20 अगस्त को एक अहम बैठक बुलाई है। इसमें समान विचारधारा वाली पार्टियों के नेता शामिल होंगे। बैठक वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर होगी। इस बैठक में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक पिछले दिनों सीएम की सोनिया गांधी से फोन पर बात हुई थी। उन्होंने बैठक में शामिल होने के लिए सहमति जताई है। बता दें कि झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की गठबंधन की सरकार चल रही है। बता दें कि सभी बीजेपी विरोधी पार्टियां एकजुट होने की कोशिश कर रही है ताकि एकजुट होकर बीजेपी को पराजित किया जा सके। झारखंड में केंद्र से जल्द मिलेगी PMGSY सड़क निर्माण योजना की स्वीकृति। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से झारखंड में 800 किलोमीटर सड़क निर्माण की जल्द स्वीकृति मिल सकती है। राज्य सरकार ने योजनाओं में संशोधन कर नए सिरे से प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा है। अधिकारियों के अनुसार भारत सरकार ने इसकी सैद्धांतिक सहमति प्रदान कर दी है। जल्द ही योजना की स्वीकृति का आदेश केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से जारी किया जाएगा। बताते चले कि राज्य सरकार PMGSY के तहत 1023 किलोमीटर ग्रामीण सड़क योजना की तैयारी की है। इसका प्रस्ताव पहले 2 बार केंद्र को भेजा गया था, लेकिन वहां से इसकी स्वीकृति नहीं मिल पाई थी। प्रतिनियुक्ति पर मॉडल स्कूल जा रहे हैं PGT शिक्षक, मूल स्कूल में बच्चों की पढ़ाई पर संकट। राज्य में 80 स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाने की प्रक्रिया चल रही है। इस प्रक्रिया के तहत मॉडल स्कूल के लिए चयनित स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए शिक्षकों को सिलेक्शन किया जा रहा है। शिक्षकों की जरूरत को पूरा करने के लिए प्रतिनियुक्ति का सहारा लिया जा रहा है। इन मॉडल स्कूलों के लिए राज्य के विभिन्न स्कूलों से PGT शिक्षकों को भेजा जा रहा है। ऐसे में प्रतिनियुक्ति पर शिक्षकों को भेजे जाने से मूल स्कूल के बच्चों की पढ़ाई पर संकट आ रही है। PGT शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति को लेकर राज्य परियोजना निर्देशक की ओर से 13 अगस्त को लिस्ट जारी किया गया है। इस सूची में 21 शिक्षकों के नाम हैं। इस सूची के मुताबिक गढ़वा से 5, हजारीबाग से 9, गोड्डा से 2, कोडरमा से 2, गिरिडीह से 1, देवघर से 1 और दुमका से 1 स्कूल के शिक्षक का नाम है। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार झारखंड पहुंची अन्नपूर्णा देवी, बोली OBC समाज के हित के लिए मोदी सरकार ने उठाए कदम।
केंद्र सरकार ने कांग्रेस के विरोध के बावजूद जिस तरह से ओबीसी समाज के हित के लिए कदम उठाया वह उल्लेखनीय है। अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि मानसून सत्र के दौरान पूरे देश की जनता ने यह देखा कि किस तरह से प्रतिपक्ष के लोगों का व्यवहार रहा। देश के सर्वोच्च संस्थान राज्यसभा में कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों का अमर्यादित व्यवहार रहा है, उसी तरह से लोकसभा में भी विपक्षी दलों का अमर्यादित व्यवहार रहा, जबकि सभी जनप्रतिनिधियों को यह समझना चाहिए कि उनका भी एक दायित्व है। प्रश्न या बहस के माध्यम से भी वे अपनी बात रख सकते थे, लेकिन मानसून सत्र में विपक्ष का कोई सहयोग नहीं रहा। इसके बावजूद प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व का यह परिचायक है कि 20 विधेयक इस सन में पास हुए। इसमें से एक महत्वपूर्ण विधेयक ओबीसी आरक्षण के मामले में राज्यों को अधिकार दिया गया और अरुणाचल प्रदेश की कुछ जनजातियों को भी मान्यता दी गई। आप सबको बता दूं कि नीट मेडिकल परीक्षा में ओबीसी को 27% आरक्षण मिला है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बार कोडरमा पहुंचने पर संसदीय क्षेत्र और राज्य की जनता की ओर से प्रधानमंत्री और भाजपा नेतृत्व में प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन पर विश्वास कर जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है उस भरोसा और उम्मीद पर वह खरा उतरने तथा अपनी जिम्मेदारी के ईमानदारी पूर्वक निर्वाह का प्रयास करेगी। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।